अस्सलामुअलैकुम, मैं शकील कादरी अहमदाबाद मिर्जापुर से। आज आपको हम मदारी के जो तवे पे लेके आए हैं और उसका नाम बगदादी तवा फ्राई है और इनका जो मदारी है वो उनके ओनर का नाम है, उनसे वो पहचाने जाते हैं और आज आपको उसके टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। अभी हमने ऑर्डर दिया हुआ है, हमारा ऑर्डर आने टेबल पे आने के बाद आपको इसके आगे टेस्ट करके बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। और ये खुलता है शाम को 5 बजे से रात के 12 बजे तक खुलता है। ये अभी ये तवे पे यहाँ पे लोग खिचड़ी बना रहे हैं, बुना खिचड़ी, जैसे भी आप झींगा खिचड़ी बोलोगे, जो भी खिचड़ी का ऑर्डर दोगे वो खिचड़ी ये तवे पे बनती है और आपको यहाँ से तवे पे बना के आपके टेबल पे आएगी। और माशा अल्लाह ये फेमस है इनका तवा और खाने में भी टेस्ट में भी अच्छा है। अभी इनका तीसरा तवा है जब यहाँ पे रोटी और परोठे यहाँ पे बनते हैं, यहाँ से सामने ले जाते हैं और वहाँ से अपने टेबल पे सर्व करते हैं। और ये अभी आपको रोटी और ये पराठा बना के बता रहे हैं, वो सामने जो पड़े, हाँ ये परोठा है और रोटी उधर जो सामने पड़ी है बर्तन में वो रोटी है। ये तंदूरी है, चिकन तंदूरी ऐसे टेस्ट अच्छा है और ये अच्छी तरह से सेकी गई है और खाने में भी इजी है, अच्छी है। अभी हम चिकन अमीन का बात टेस्ट करेंगे। ये परोठा है और परोठे के साथ हम टेस्ट करेंगे। ये ग्रेवी वाली है इसलिए इसका टेस्ट भी अच्छा ही है और इसको हम रोटी के साथ भी टेस्ट करके देखेंगे। रोटी में भी अच्छा टेस्ट है इसका और ये खा सकते हैं, यहाँ पे आइए और खाइए। जो गुना खिचड़ी है जो आपको बताया था, तवा जो दूसरे साइड में जो तवा था उसके बनी थी, ये हमने वो गुना खिचड़ी मंगाई है, ये हाफ है और अभी हम इसकी भी टेस्ट करेंगे और बताएंगे। माशा अल्लाह अच्छा से इसका भी खिचड़ी का और यहाँ तवे पे आते हैं तो ये भी एक मंगाने जैसी चीज है, अच्छी है। तो इनके फैमिली के बैठने के लिए भी जगह बनाई गई है और वो अंदर में भी बैठ के खा सकते हैं और 4 रुपए भी टेबल लगे हुए हैं और यहाँ भी बैठ के खा सकते हैं।